एक दौर की हुई थी 13 नवंबर को, दूसरे दौर की थी 3 दिसंबर को, फिर कल एक बातचीत हो गई, तो फिर अभी शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? देखिए क्या है, ये लिंगर ऑन पॉलिसी है सरकार की, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ बातें सुन रहे हैं और किसानों को एक मीठी गोली दे रहे हैं कि मीठी गोली दे के ये धीरे धीरे वापस चले जाएं। लेकिन किसान ठान चुका है पूरे हिंदुस्तान का, वो दिल्ली को घेरेगा और जब तक सरकार नहीं इन मांगे मान लेती तब तक किसान दिल्ली के चारों तरफ रहेगा, पार्लियामेंट को घेरेगा, ये सरकार अच्छी तरीके समझ ले। दूसरी बात जो है, अभी तो ये सांकेतिक है, पूर्व इतिहास भारतीय किसान यूनियन का रहा है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में बीबीसी ने भी ये कहा है कि पुराने धरनों में करोड़ करोड़ आदमी आए हैं, एक बात बताइए, सब लोग गांव से निकलने जाना, जनता भी तैयार। जो जो टिकैत साहब जो उन्होंने जो आंदोलन किया था, मुझे याद है जितना मुझे जानकारी है, उस आंदोलन में आपने भी एक सक्रिय भूमिका निभाई, उस आंदोलन और इस आंदोलन में आप क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए उस आंदोलन और इस आंदोलन में अब एक अंतर आ गया है, पहले जो थे एक ही संगठन भारतीय किसान यूनियन था जो उत्तर भारत में पूरे उसमें पूरे भारत में था, लेकिन अब अलग अलग संगठन हो गए हैं, किसान और एकजुट हो गया है। स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी को मैं पुनः आज मैं फिर श्रद्धांजलि प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और सरकार तक अपनी बात कह के आज ये धरने और सारा संगठन किसके देन है? सिंह साहब, श्री महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय ही हैं। एग्री आपसे मैं करता हूँ। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।